Good morning, students. I am Rajendra Tawar to teach you the science lesson 3, which was going on in the previous class. देखिए आज की क्लास के लिए हमारे पास उस चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है, उसको हम जो है कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं. आज हमारा वो लेसन फिनिश हो जाएगा, उसके बाद जो है अगली क्लास में इसके क्वेश्चन की बातें करेंगे. अभी देखिए लास्ट टॉपिक जो हमारे क्लास में यहाँ इस चैप्टर में बचा है वो टॉपिक है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव डालता है, प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट पर क्या अच्छे प्रभाव डालता है या फिर बुरे प्रभाव डालता है. मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्लास्टिक जो है वो एनवायरनमेंट पर बुरा असर डालता है या फिर अच्छा असर डालता है. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक इन कॉन्टेक्स्ट विद द एनवायरनमेंट वी हैव टू डिस्कस. देखिए समझने के लिए जो बातें हमारे पास हैं कि प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट पर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा रखता है, और एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा इसलिए रखता है प्लास्टिक इफेक्ट दो टाइप का होता है. एक होता है जिसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है उसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता. यदि आपने उसको यूज़ किया और यूज़ करके ज़मीन पर फेंक दिया और ज़मीन पर फेंकने के बाद में वो क्या है कि वर्षों तक जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, वैसे के वैसे पड़ा रहता है, और वो जो हार्मफुल रेडिएशन एमिट करता रहता है वो एक कंपाउंड रिलीज करता रहता है एटमोसफेयर में जो जहरीला कंपाउंड होता है, और वो कंपाउंड जो है एटमोसफेयर को दूषित करता रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए घातक होता है, ठीक है, अनेकों प्रकार के जो है डिसएडवांटेज और एनवायरमेंट में पैदा करता है. इसलिए हम ये कहते हैं कि प्लास्टिक हैव एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. ये तो हम एनवायरमेंटल जो है अपन कहते हैं सेटअप के रूप में डिस्कस कर रहे थे. इसके अलावा भी प्लास्टिक के और हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. जैसे आपने देखा होगा पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की कोई आइटम है वो ड्रेनेज सिस्टम को पूरे को ब्लॉक कर देते हैं, नाले जगह जगह पर रुक जाते हैं. ये भी एक डिसएडवांटेज पॉइंट है इसका कि इस कारण से ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक से हमें डिस्टर्ब करते हैं. उसके अलावा देखिए प्लास्टिक में डिस्टर्ब करने का एक है कि जैसे एनिमल्स वगैरह अगर प्लास्टिक को खा जाते हैं तो ये क्या है कि अंदर जाकर डिग्रेड नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, और ये जाकर के आँख में जमा हो जाता है और एनिमल्स जो है इसके कारण से बीमार हो जाते हैं, मर भी सकते हैं. तो अपन इस तरह से कहेंगे कि प्लास्टिक कम से कम एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है, ठीक है. तो हम कुल मिलाकर के कहेंगे प्लास्टिक से है नंबर ऑफ यूजेस फॉर अस, क्योंकि हमारे लिए नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट यूजेस ये रखता है, ठीक है. बट स्टिल या एक्सपेक्ट ऑफ दिस होल इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट. ये एनवायरनमेंट पर जो है एडवर्स इफेक्ट रखता है. एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये है कि ये विपरीत प्रभाव ये एनवायरनमेंट पर डालता है, ठीक है. हम को जो है दूषित करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है. तो अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लास्टिक आइटम्स ठीक है, इफ आर एक्सपोज इन ओपन एटमोसफियर अगर हम इनको ओपन एटमोसफियर में एक्सपोज करते हैं देन दीज रिलीज ए हार्मफुल केमिकल को रिलीज करते हैं, ठीक है. और हम ये कहते हैं कि विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट
pollute the environment, which pollute the environment and may cause a number of diseases. May cause a number of diseases. अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ये अनेकों प्रकार की चीजें मरले भी पैदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो अनेक स्पेसीज हैं उनको भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये सभी के लिए ओवरऑल कुल मिलाकर के हमें कहेंगे कि सभी के लिए जो है डिसएडवांटेजेस होता है। अपन यहाँ पर ये कहते हैं कि प्लास्टिक्स आर दी प्लास्टिक्स मे बी सेड, दी प्लास्टिक्स मे बी सेड प्लास्टिक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें ये भी पूछा जा सकता है कि बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, क्योंकि उसके जो है हमारे लिए जो है डेफिनेशनली जो है पूछा जाएगा वो क्या लिखेंगे। डेफिनेशन में देखो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि दी प्लास्टिक विच कैन नॉट बी डिकम्पोज। अपने कहें कि प्लास्टिक विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, द प्लास्टिक विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज, डिकम्पोज बाय सिंपल प्रोसेसेस, बाय आपके नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस प्रोसेसेस, ठीक है, नेचुरल प्रोसेसेस इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमें कहेंगे कि दीज आर मोर हार्मफुल, दीज आर मोर हार्मफुल, दीज आर मोर हार्मफुल, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक, दीज आर मोर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। और विशेष रूप से ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप है ये भी जो है नॉट हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, क्योंकि ये ही हमारे लिए जो है ज़्यादा घातक होते हैं, एनवायरनमेंट को ज़्यादा दूषित यही करते हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल करीब करीब आप भी माने प्लास्टिक करीब करीब नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होता है, ठीक है। हल्की पैटर्न में से अपन एक पॉलीथीन चिपकी है, उन पॉलीथीन में से कोई एक हल्का पैटर्न ऐसा आ सकता है जो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। बाकी जो है ये डिग्रेड नहीं होते हैं, मतलब अपने कहेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोडिग्रेड, बायोडिग्रेडेबल में अपन क्या कहेंगे, बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। अपन कहेंगे डी प्लास्टिक्स, डी प्लास्टिक्स, ठीक है, विच आर डिकम्पोज्ड, विच आर डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, विच आर डिकम्पोज्ड बाय जो नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज होकर के सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और जब ये सिंपल फॉर्म में चेंज हो गए फिर ये हमारे लिए हानिकारक नहीं रहते, ठीक है। फिर जो है सिचुएशन इनको मैनेज करना आसान होता है। तो हमें कहते हैं कि ये जो है ऐसी स्थिति में बायोडिग्रेडेबल जो है हमारे लिए बिल्कुल सुविधाजनक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सुविधाजनक नहीं है। कुल मिलाकर इस टॉपिक में हम इस टॉपिक को स्टडी करके कह सकते हैं कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कुल मिलाकर के जो है फायदेमंद नहीं है, हानिकारक ही गए जाएंगे। और इसीलिए आजकल ये विशेष मंत्रणा का विषय है
कि वे इस विषय पर जो है विशेष रूप से विचार करते हुए, ठीक है, पूरा विश्व चिंतित है कि प्लास्टिक का यूज है उसको अवॉइड कैसे किया जाए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और ये जो है हमेशा में डिस्टर्ब इसलिए आ सकता है क्योंकि हम इसे जो है ना डिग्रेड नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब देखिए इसके अलावा फिर हमारे पास होते हैं कि क्या करें हम इसके उपयोग को, इसके डिग्रेडेशन को, एनवायरमेंट को प्लास्टिक से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए आगे के टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंट को यदि हमें प्लास्टिक की मदद से जो नुकसान पहुँच रहे हैं उससे हमें बचाना है एनवायरमेंट को, तो फिर हम क्या करें उसके लिए देखो हमें सजेस्ट किया जाता है, ठीक है, अपने कहेंगे टू सेव एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट, सेव एनवायरमेंट फ्रॉम प्लास्टिक्स, एनवायरमेंट फ्रॉम प्लास्टिक्स, ठीक है। कि प्लास्टिक से यदि हम एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए, एक भी कहते हैं कि यूज को जो है ना कम से कम अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, बाइक अवॉइडिंग, ठीक है, अपने कहते हैं कि बाइक अवॉइडिंग, हम जो है एक भी वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें बाइक अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, अवॉइडिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको हम कम से कम करें, प्लास्टिक का उपयोग जो है हम नहीं करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का उपयोग यदि हम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक नहीं रहेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट हमारा जो है दूसरे होने से बचेगा। उसके अलावा हम सेकेंड पॉइंट में लिख सकते थे बाई यूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, बाई यूजिंग अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से हमारा ये तात्पर्य होता है कि प्लास्टिक की जगह यदि हम किसी अन्य चीज को उपयोग में ले सकते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, क्योंकि इससे हमारा ये तात्पर्य है कि अगर आप प्लास्टिक जहाँ काम में ले रहे हैं उसकी जगह यदि आप किसी दूसरी चीज को काम में ले सकते हैं, ले पाने की स्थिति में है, तो आप उस दूसरी चीज को ही काम में लें तो प्लास्टिक जो है अपना अपने आप अवॉइड हो जाए, अपन जो है इस तरह से कोई यूज मिले। तीसरा कहता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस हमें यूज लेना ही पड़ता है, तो कह रहे हैं लेना ही पड़ता है तो फिर हम क्या करें, वी शुड यूज या वी शुड ऐड ऑन, हमें कहें कि वी शुड ऐड ऑन बी फॉर आवर प्रिंसिपल, फॉर आवर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर आवर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फॉर आवर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पूरा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का अगर आप उपयोग करके चलेंगे, इसका अगर आप अनुसरण करेंगे कि करें आप जो है फिर एनवायरमेंट को बचाने में आपको काफ़ी जो है सफलता मिलेगी, यानी कि मतलब कि प्लास्टिक से आप एनवायरमेंट को बचा लेंगे। अब देखिए फोर आर जो है इनका मतलब आपको समझना है, फोर आर का मतलब क्या है, पूरा प्रिंसिपल क्या है, पूरा का मतलब ये होता है चार आर से बनने वाली चार बातों को आपको, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या है, प्लास्टिक का यूज कम करें मतलब रिड्यूस करें प्लास्टिक का यूज, ठीक है। पहले आज से हमारा क्या मतलब है कि प्लास्टिक का यूज जो है उसको आप रिड्यूस करें, रिड्यूसिंग बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक का यूज कम करें कि पहले आर का मतलब है, दूसरे आर का मतलब ये है कि आप जो है इससे प्लास्टिक को रीयूज करें, ठीक है, रीयूज। दूसरे आर का मतलब है रीयूज, रीयूज से हमारा ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक आइटम को हमने खरीदा था किसी, मान लीजिए किसी को शोपीस मैटर के लिए हमने उसको रखा था और शोपीस के रूप में हमने रखा हुआ है, उसको खराब हो गया और कोई कारण है, उसको अगर और किसी अन्य उसमें आप काम में ले सकते हैं तो आप उसे काम में लो। या मान लीजिए जैसे एक बाल्टी प्लास्टिक की हमने ली और वो बाल्टी ऊपर से ब्रेक हो गया, बाल्टी का मकसद उसका खत्म हो गया, अब उसको बाल्टी के रूप में इस्तेमाल करना हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको ऊपर से काट दो, उसके आगे दो से किसी अन्य काम में ले लो। कहने का मतलब इस तरह के कुछ यूजेज करने की आप कोशिश करो। एक बार आपके पास कोई प्लास्टिक का एक आइटम है उसका पहला यूज यदि जो है कंप्लीट हो जाता है का मतलब कि पहले यूज में अभी लेने लायक नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में आप इसका सेकेंड यूज ढूंढे उसको री यूज करें। तीसरे नंबर पर हम ये कहते हैं कि रिसाइकिल करें प्लास्टिक को, जैसे रीयूज भी अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, रीयूज भी यदि नहीं हो पा रही है तो ये कह रहे हैं कि अब आप इसमें क्या करें, इसको जो है आप रिसाइकिल, रिसाइकिल करने का मतलब कि प्लास्टिक का एक यूज खत्म हो गया, सेकेंड भी आपने खत्म कर लिया, अब इसका कोई यूज यदि हम नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप इसका क्या करें, अब आप इसको इंडस्ट्रीज में ले जाकर रिसाइकिल करें,
मतलब इसको पिघलाएं, पिघला करके दोबारा इससे जो आइटम बनाया जा सकता है वो आइटम इसका दोबारा से बनाएं, और दोबारा से जो आइटम बनता है वो फिर एक न्यू प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, प्लास्टिक एनवायरमेंट में विल नॉट बी ओपनली एक्सपोज, ठीक है, वो हमारे लिए एनवायरमेंट में एक बार की तरह नजर नहीं आएगा, वेटेज की तरह नजर नहीं आएगा। इस तरह से रिसाइकलिंग आप कर सकते हैं। और चौथा जो आर है वो हमें सजेस्ट करते हैं रिकवर। अब देखो इस रिकवर का मतलब क्या होता है, चौथे आर से रिकवर का मतलब समझते हैं। रिकवर का मतलब यहाँ पर होता है कि मान लीजिए प्लास्टिक आपने यूज कर लिया, उसका जो है रिसाइकिल कर लिया, रीयूज भी कर लिया, रिसाइकिल भी कर लिया, अब रिसाइकिल करने के बाद में अल्टीमेटली उसे अब फेंकना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, कि फेंकने के कारण से जो हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा हो रहे हैं आप हार्मफुल इफेक्ट्स की रिकवरी की कोशिश बराबर जारी रखें। हार्मफुल इफेक्ट्स की रिकवरी की कोशिश जारी रखने से हमारा ये मतलब होता है कि भी जो भी साइड इफेक्ट उसने पैदा किए हैं आप कुछ उनके बदले ऐसे काम एडजस्ट करने की कोशिश करो कि भी वो उनकी जो हार्मफुल इफेक्ट उनके कारण से जो हुए थे वो हार्मफुल इफेक्ट आप जो है उनको बैलेंस कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए, तो इसको हम रिकवरी कहते हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि भी भाई इंसेंट प्रिंसिपल की बोला दैट इज रिड्यूस रीयूज रीसाइकल रिकवर, इन को अडॉप्ट करके कहते हैं प्लास्टिक से एनवायरमेंट को बचा सकते। देखिए आज की क्लास में ये एंड टॉपिक हमारा इस लेसन का था, जिसमें हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि प्लास्टिक के एनवायरमेंट पर क्या इफेक्ट होते हैं, हमने देखा कि एडवर्स इफेक्ट होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, हमने उनको जो है सॉल्यूशन के लिए हमने जो है सोचा कि किस तरह करेंगे। दिस वे हैव डिस्कस्ड इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर दिस लेसन, हमारा ये लेसन फिनिश हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास वी शैल बी टॉकिंग ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मिंग इनसाइड दिस लेसन। Thank you very much.